हे गाइस, तो सबसे पहले बैसाखी की सभी को शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हो अतुल ब्लॉग्स HP10, वेलकम बैक। तो गाइस, आज बैसाखी है, तो वी नो दैट कि पंजाब में बैसाखी सबसे फेमस है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हिमाचल में भी बहुत फेमस है। तो काफ़ी सालों से हमारे मतलब गांव एरिया में ना बैसाखी नहीं मना रहे थे। तो गाइस, तो आज इस बार बैसाखी मनाई जा रही है, तो मैं आपको आज हिमाचल में बैसाखी किस तरह से मनाते हैं वो दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहना। तो गाइस, वैसे मैं अभी बगीचे के लिए निकल चुका हूँ, बैसाखी 2 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो गाइस, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ये है हमारे बैसाखी का पर्व, किस तरह मनाया जाता है आप देख सकते हो। तो ये हमारे बोलते हैं ना बूढ़े, बिशु के बूढ़े नाचते हैं, आप देख सकते हो सारे गांव के लोग। ये देवता जी की एक मतलब मूर्त होती है इनके पास। ये है कोटी गांव की, यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। ये आंगन, इसमें बैसाखी का पर्व काफ़ी सालों से नहीं मना रहे थे, तो अब फिर से दोबारा मनाने लग चुके हैं, तो अच्छा भी लगता है। बाद नाटक तरह से होता है, बुड्ढी बनती है, देखो किस तरह से नृत्य होता है, बच्चे डरते हैं इनसे। तो सो गाइस, अब हिरन आएगा यहाँ पे, एक तरह से रीत है पहले की बनी हुई, तो हिरन का डांस होगा। ये मंदिर की ओर माथा टेक रहे हैं, तो ये हिरन का डांस हो रहा है। तो पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, जब हम छोटे होते थे तो हम भी इसी तरह से देखते थे, हम डरते थे उस वक्त। आजकल के बच्चे देखो, आप डर भी नहीं रहे, हम तो बहुत डरते थे। अब बाघ भी होता है इसमें एक। सो गाइस, अब आप बाघ की एंट्री देख सकते हो, ये है बाघ बोलते हैं। बच्चे काफी डरते हैं, आप देख सकते हो। हिरन खा लिया है बाघ ने। अब हिरन घायल हो चुका है, अब इसके बाद इसको ठीक करने के लिए भेंट लेते हैं, भेंट एक तरह से। तो सारे मतलब यहाँ पे इनको मेहनताना बोलते हैं, वो दे देते हैं। क्या रहता है डॉक्टर बताओ। हेलो,
एक दो तीन चार मंत्र आगे से हो रहा है पांच सो गाइस, इसी के साथ बैसाखी का ये छोटा सा मेला खत्म होता है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी वेट करना पड़ा और काफ़ी सालों बाद ये त्यौहार हुआ, तो हमें भी अच्छा लगा क्योंकि पुराने रीति रिवाज आज के मतलब न्यू जनरेशन है वो भूल चुके हैं, तो अच्छा लगता है। तो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए। बाय बाय।